मैं आशा, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। 5 अगस्त को 6:30 बजे संयुक्त सेवा साइकिल अभियान को पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर के लिए एयरफोर्स कंपोनेंट कमांडर एयर कमांडोर के श्रीधर VM ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रक्षा, अंडमान प्रशासन और स्थानीय जनता के कर्मियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, जो बातुबस्ती क्षेत्र से दोनों किनारों पर विजय ज्योति को सम्मान देने और साइकिल चालकों को प्रोत्साहित करने के लिए खड़े थे। इसके बाद प्रतिबंधित जनजाति क्षेत्र से होते हुए दोपहर के शुरुआती घंटों में बाराटांग पहुंचे। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाराटांग में दोपहर को स्कूल के छात्रों और सशस्त्र बलों के दिग्गजों के साथ एक स्मारक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अगले दिन वे बाराटांग से साइकिल अभियान के लिए रवाना हुए। 16 दिसंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अनंत लौ से विजय ज्योति प्रज्वलित किया गया था। यह ज्योति 3 अगस्त 2021 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहुंचा, जहां माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल DK जोशी, PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM द्वारा औपचारिक रूप से ज्योति का स्वागत किया और संचालन के लिए सिनकैन को सौंपा गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्मारक कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में स्क्वाड्रन लीडर घनश्याम पांडे के नेतृत्व में 17 कर्मियों की एक संयुक्त सेवा साइकिल अभियान टीम द्वारा पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर तक विजय ज्योति को ले जाया जाएगा। यह साइकिल अभियान सेवा कर्मियों को जीवन भर साहसिक कार्य को करने और अंडमान के उत्तरी हिस्से में पवित्र विजय ज्योति ले जाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। विजय ज्योति के साथ साइकिलिंग अभियान पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर तक अंडमान ट्रंक रोड पर 5 दिनों में कुल 340 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यह मार्ग भारी मानसून के कारण साइकिल चालकों के लिए चेतावनी भरा सफर है। रास्ते में ओरल कच्चा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाराटांग, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रंगत, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहलगांव, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल माया बंदर और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशोरी नगर सहित कई सार्वजनिक स्थलों पर समारोह का आयोजन किया गया है और यह अंत में 9 अगस्त डिगलीपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंचेंगे। समारोह के दौरान साइकिल अभियान दल 3 सैनिकों के दिग्गजों, गणमान्य व्यक्तियों और स्थायी जनता से बातचीत करेंगे। ये बच्चों और स्थानीय लोगों के बीच युद्ध में भारत के शानदार जीत और बांग्लादेश की मुक्ति के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। 50 साल पहले हमारे बहादुर सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यह कार्यक्रम द्वीपवासियों के लिए गर्व का श्रेय और अवसर प्रस्तुत करे। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, आप सच देखेगा अंडमान।